चीन ने पीएलए के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारतीय सेना की कार्रवाई पर गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारतीय सेना ने 29 और 30 अगस्त की रात को लेकर हिलटॉप पर कब्जे के लिए चीन सेना की कोशिश को नाकाम कर दिया था। यह गुस्सा कथित रूप से चीन के सेना प्रमुख और राष्ट्रीय शी जिनपिंग तक पहुंचा है। ज्ञात हो कि 29 और 31 अगस्त के बीच चीन की सेना पर उकसावे की कार्रवाई करते हुए पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर स्थित को बढ़ाने का प्रयास किया गया था, लेकिन भारतीय सेना ने उसे विफल कर दिया था। यही नहीं, बाद में भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग के दक्षिण किनारे पर स्थित लगभग सभी प्रमुख चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद चीनी सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के साथ पैंगोंग सौ झील के दक्षिण किनारे पर काफ़ी तनाव बढ़ गया था। चीन ने इस इलाके में कई जगहों पर और ज़्यादा सैनिक तथा टैंक भेजे हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही पक्षों के करीब 1-1 लाख सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात है। चीन के वार्ता के टेबल पर तनाव घटाने की बात तो हो रही है, लेकिन ज़मीन पर ये लगातार अपनी सैन्य तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करते जा रहे हैं। चीन ने लंबे समय तक भारत पर भरोसा करे के बजाय पूरी तरीके से व्यवहार किया, क्योंकि चीन की सीमा के साथ विवाद क्षेत्रों में निर्माण किया। इस पर पीएलसी ने भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के कारण अपने कदम को पीछे खींचना पड़ा। भारत चीन के बीच मई महीने से लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर जारी तनाव के मुद्दे पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक ने कहा है कि अमेरिका पूरे मामले का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान की उम्मीद कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक ने कहा, हम भारत चीन सीमा पर स्थित के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। अभी तक चीनी सैनिकों की हताहत की संख्या को लेकर रहस्य बना हुआ है। शी जिनपिंग के जन्मदिन पर उनके चेहरे की मुद्दा इस बात को बयां कर रही थी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ग्राउंड न्यूज़ को फॉलो करें और ग्राउंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक खबर आपको सबसे पहले मिले।